हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं घर पे समोसा की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनके बिल्कुल बाजार से भी टेस्टी और करारी तैयार होगी। इसमें काजू भी होगा, कुछ मूंगफली के दाने भी होंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। समोसा का डो बनाने के लिए हमने 400 ग्राम मैदा ले लिया है। मैदा को हमने दो बार छान लिया है। आप भी छान लें, क्योंकि उसमें बारिश के सीजन में कुछ निकल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप कभी भी डालें, तो ऐसे हथेली पे लेके और थोड़ा सा इसे क्रश कर लें, इससे इसका फ्लेवर उभर के आता है। तो हम थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और साथ में हम इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पे अपना हम 4 से 6 चम्मच मोयन डालेंगे। अब हम मोयन को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ऐसे मैचना है आपको, जिससे कि अच्छे से अपना मोयन मैदा में मिक्स हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है समोसा बनाने के लिए। आप देख सकते हैं, हमने मोयन को मैदा में अच्छे से मिक्स किया है। मोयन यानी कि वही जो अपना तेल ही पड़ता है, उसे हम मोयन भी कहते हैं। इसकी एक और पहचान है, हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो लड्डू की तरह ये बंध जा रहा है। यही पहचान है कि परफेक्ट मोयन अपना पड़ा है डो में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, यानी कि ये नॉर्मल पानी है और हम इसे आटा की तरह गूंदेंगे। तो हमें थोड़ा हार्ड ही गूंदना है, इसके लिए पानी हम अंदाज से डालेंगे। आप देख सकते हैं, हमने मसल मसल के डो को तैयार कर लिया है। ये डो न ज्यादा सॉफ्ट है न ज्यादा हार्ड है, हमें ऐसे ही डो चाहिए समोसे के लिए। अब हम डो को ढक के छोड़ देंगे और तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई रख लिए हैं, मोटी पेंदी वाली, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेशल समोसे का मसाला है, जिसे हमें गरम करके यानी कि हल्का सा रोस्ट करके और इसे दरदरा कूट लेना है। इससे समोसे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए हम हल्का सा रोस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम करके उसमें धनिया, जीरा, सौंफ को गरम कर लिया है, यानी कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है, यही इसकी पहचान है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और अपना जीरा धनिया ठंडा होने के लिए किसी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे, इससे ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो फिर हम इसे दरदरा कूट लेते हैं। अब हम थाली से इसे ये उखल में डाल लेंगे। आप मिक्सर में भी दरदरा कूट सकते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छे से कूट जाता है। तो आपके पास जो भी सुविधा हो उसके साथ ये कूट लीजिए। तो हम इसे ऐसे हल्का हल्का मारेंगे तो ये टूट जाएगा। 2 से 4 टुकड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं कूटना है। तो आप देख सकते हैं, स्टफिंग के लिए अपना ये सूखा मसाला तैयार हो गया है। अब हम गैस की तरफ फिर से चलेंगे। अपनी कढ़ाई गरम है, उस कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी मूंगफली यानी कि सिंगदाना, आप जो भी बोलते हो, और उसमें हम ये डालेंगे 8 से 10 काजू। इसको हम हल्का सा सेक लेंगे, यानी कि अपनी मूंगफली की छिलका उतर जाए उतने लायक हम सेक लेंगे। ये समोसे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है। तो हम गैस को ऑन करके इसे हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने 2 से 3 मिनट तक भूना है। अपनी मूंगफली सिक गई है और काजू भी सिक गया है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने गैस पे एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे।
तेल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा। जीरा हम हल्का सा चटकने देंगे, ज्यादा नहीं। आप देख सकते हैं अपनी जीरा से हल्का सा चटकने की आवाज आने लगी है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग, यानी कि 1/4 चम्मच भी कर सकते हैं आप। साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज। प्याज को हम हल्का सा भूनेंगे, यानी कि इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमने प्याज को 2-3 मिनट तक भूना है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे हम डालेंगे अदरक मिर्च, जिसे हमने दरदरा कूटा है। ध्यान रहे समोसे में हम बारीक पेस्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि आलू में अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे हम दरदरा कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्च यूज करेंगे। इसे भी हम प्याज के साथ 1.5-2 मिनट तक भूनेंगे। हमने प्याज के साथ अदरक मिर्च भी भून लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे और इसे भून लेंगे। अब देख सकते हैं हमने सूखा मसाला भी भून लिया है। अब यहाँ पे हमने जो वो दरदरा पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे। ये वही है सौंफ, धनिया, जीरा, जिसे हमने गरम करके दरदरा कूट लिया था। इसी से समोसे में फ्लेवर आता है बाजार वाले। इसे भी हम भून लेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी प्याज की पानी बिल्कुल सूख चुकी है, ये अपना बिल्कुल ड्राई जैसा तैयार हो गया है। इस टाइम में हम अपना आलू तोड़ेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमें आलू ग्रेट करके नहीं डालना है, हमें आलू को टुकड़ा में तोड़ के डालना है, क्योंकि समोसे में 1-2 आलू का क्रंच आए वही मजा आता है। तो हम ऐसे आलू को टुकड़े में तोड़ लेंगे। तो हमने आलू को चंक्स में तोड़ के डाल लिया है। ध्यान रहे आलू को हमें डाल के तुरंत गैस बंद नहीं करना है, हम मीडियम फ्लेम पे आलू को भी 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इससे क्या होगा, आलू का हल्का फुल्का जो मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा और इसमें मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है समोसा फ्लेम बनाते टाइम। देख सकते हैं अपना मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है। अब हम जो मूंगफली और काजू का भून के रखे हैं उसे दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने कूटा हुआ मूंगफली काजू भी इसमें डाल देंगे और फाइनली हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो ध्यान रहे समोसे के डो में भी हल्का नमक होता है, तो फिलिंग में अंदाज से नमक डालिए, नहीं तो पूरा टेस्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। जब तक अपनी समोसे की फिलिंग ठंडी होगी तब तक हम अपने डो का शीट तैयार करेंगे, यानी कि समोसा शीट तैयार करेंगे। तो हम मैदा में से आधा पोर्शन ले लेंगे और इसका एक रोल बनाएंगे। रोल को हम ऐसे प्रेस कर लेंगे। क्योंकि हम समोसे का सीट बनाएंगे तो हमें थोड़ा बड़ा बड़ा ही लोई काटना है, तो हम एक नाइफ की मदद से 1 बराबर की लोई काट लेंगे। अब हम इसके पिंडे बना लेंगे। तो ऐसे मसलते हुए हम पिंडे बना लेंगे। एक एक पेंडा लेंगे और समोसा का शीट तैयार करेंगे। तो आप सबको पता भी होगा कि समोसा का शीट थोड़ा सा लंबा बेस पे तैयार करते हैं, तो ऐसे हम इसको लंबाई में बेलेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने रेक्टेंगल शेप में अपना पूरी बेल लिया है, यानी कि समोसे का शीट कहेंगे इसे। अब हम बीचों बीच इसे चाकू से 2 टुकड़े में काट लेंगे और एक शीट को हम दूसरे शीट पे ऐसे रख के और फिर दूसरी लोई को
हम बेलेंगे, ऐसे ही हम सभी सीट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने समोसे का सीट तैयार कर लिया है और अपनी फीलिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक एक सीट को ऐसे उठाएंगे और आपको समोसा का शेप देना बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चारों तरफ पानी लगाएंगे। तो हमने चारों तरफ समोसे के कोने कोने पानी लगा लिया है सीट में। अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, इसे ऐसे अंगुली के सहारे फोल्ड कर देना है, यानी कि एक कोन बनाना है हमें। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसे अच्छे से सील कर देना है। तो हमने पानी लगाया है, इस वजह से वो सील भी हो जाएगा अच्छे से। अब ये जो है कोन, इसमें हम अपना स्टफिंग भरेंगे। तो हम एक चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ हम प्रेस करेंगे। इसमें पर्याप्त मात्रा में आप स्टफिंग डालिए, तभी समोसा खाने का मजा आता है। अब हमें ये जो ऊपर वाला कोना है और ये कोना को ऐसे प्लेट देते हुए और ज्वाइंट कर लेना है। फिर हम सभी को एक साथ में चिपका देंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ज्वाइंट है वो मोटा हो गया, तो हम इसे ऐसे दबाते हुए थोड़ा पतला कर लेंगे, क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं होगा, मोटा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं मार्केट जैसा हमने बिल्कुल समोसे का शेप दे रखा है। तो ऐसे ही हम सभी समोसे तैयार कर लेंगे। तो आपने देख लिया, हमने यहाँ पे एक वेज समोसा तैयार कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल हमें ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, हल्का सा गर्म होगा उसी टाइम पे हम समोसा अपना डाल देंगे, तभी ये करारी और क्रिस्पी तैयार होता है। तो हम एक एक समोसा को धीरे धीरे तेल में छोड़ देंगे। ऐसे धीरे धीरे हम एक एक समोसा को अपने तेल में छोड़ देंगे। एक बार में जितना आएगा उतना हम छोड़ेंगे, बाकी हम दूसरे बैच में बना लेंगे। अब हम इसे छुएंगे नहीं, 5-6 मिनट तक अच्छे से पकेगा, फिर हम इसे फ्लिप करके आपको दिखाएंगे। हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे समोसे को 5-6 मिनट तक एक साइड से सेका है। आपको मैं एक बार फ्लिप करके दिखा देती हूँ, अब ध्यान से देखिए, इसमें हल्का हल्का ब्राउन आ रहा है दाग। इतने में हम इसे एक बार उलट लेंगे और करीबन 5-7 मिनट तक हम दूसरे साइड से भी पकाएंगे, तभी ये अपना बाजार जैसा क्रिस्पी समोसा तैयार होगा। ऑलमोस्ट स्लो फ्लेम पे 15-20 मिनट हमें सेकना पड़ेगा। तो हम ये पहली बार फ्लिप किए हैं, बीच बीच में हम चलाते हुए इसे ब्राउन करके फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, हमने स्लो फ्लेम पे 20-22 मिनट तक समोसे को फ्राई किया है। समोसे का कितना सुंदर कलर आ गया है, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो बस इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। तो झड़ने की मदद से हम इसे 1-2 मिनट तक टेढ़ा करके रखेंगे और समोसा को डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी कड़ारेदार समोसा तैयार हुई है। जब तक हमने ये समोसा फ्राई किया, तब तक हम दूसरा बैच उधर तैयार कर लिए हैं। सेम प्रोसेस से हम वो भी फ्राई करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे भी हम आराम आराम से टिन से बाहर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया कड़ारेदार समोसा तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, हमने समोसा बना लिया है, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है टोमेटो केचप और इसके साथ हम समोसा सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये समोसे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।